हेलो फ्रेंड्स, नसीब स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि प्रीति जो है नेहा से पूछती है कि सृष्टि और रश्मि में से कौन है जिसे तुम ज़्यादा चाहती हो, मतलब कौन था जिसे तुम प्यार करती हो। नेहा जो है सृष्टि की तरफ, प्रीति की तरफ देखती है और कहती है कि बताना ज़रूरी है। नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, तुम्हारी मर्ज़ी है। मुझे लगा तो मैंने पूछ लिया, अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, मत बताओ। और प्रीति ये कह के डिशेज उठा के बाहर जाने लगती है किचन से, तो कहती है रश्मि, तो प्रीति सडन पलट के उसको देखती है और कहती है आर यू सीरियस, इट्स हर या मैं रश्मि, मतलब प्रीति से कुछ बोला ही नहीं जा रहा होता। तो नेहा कहती है खाना रख के आओ, नहीं तो रश्मि को ढूंढना शुरू कर देंगे, और अगर कोई पूछे कि रश्मि कहाँ है, खास कर जाए, कह देना किचन में खाना सर्व कर रही है। प्रीति शॉक में होती है तो वो सिर्फ सर हिला के चली जाती है, ज़्यादा कुछ कहती नहीं है। और बाहर जाके खाना रखती है, खाना रखने के बाद वो आने लगती है तो जय पूछता है कि एक्सक्यूज़ मी प्रीति, तो देखती है उसकी तरफ, कहती है या वो रश्मि को भेज देना ज़रा, तो कहती है जी अभी भेज देती हूँ, वो थोड़ा काम है किचन में तो उसे निपटाने के बाद भेज देती हूँ। तो कहता है कि ठीक है, ये कह के वो आती है किचन में और कहती है कि वो जय बुला रहे थे रश्मि को। इधर रश्मि रूम में जाती है और देखती है कि सृष्टि चुपचाप लेटी हुई होती है। वो सृष्टि के पास जाती है और उसके सर पे हाथ रखती है। जैसे ही वो हाथ रखती है, सृष्टि जो है उठ के बैठ जाती है तुरंत और कहती है भाभी आप यहाँ क्या हुआ। कहती है यार एक तो तुम मुझे ना ये भाभी कहना बंद करो, मैं ना बड़ी परेशान हो गई हूँ तुमसे, भाभी 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 क्या है ये भाभी भाभी मत कहो ना, जब मैंने तुम्हें पहले मना कर दिया मुझे भाभी मत बोला करो तो क्यों बोलती हो। अच्छा ठीक है, नहीं बोलूँगी, बस अब खुश। हाँ अब ये बताओ तुम्हें सर में दर्द हो रहा है क्यों। कुछ नहीं भाभी, वो बस हल्का सर में दर्द है, ठीक हो जाएगा। अच्छा लो मैं विक्स लगा के मालिश कर देती हूँ या तेल लगा देती हूँ। नहीं भाभी इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगी मैनेज, अपने आप ठीक हो जाएगा। अभी इसमें क्या मैनेज करना है, सर में दर्द है, बिना दवाई कैसे ठीक होगा, वो मुझे भी समझा दो, मेरे भी होता रहता है तो मैं भी ऐसे ही ठीक कर लिया करूँ। भाभी आप बेवजह टेंशन ले रहे हो, ये हो जाएगा अपने आप ठीक। तो वही तो पूछ रही हूँ कि ऐसे कैसे अपने आप ठीक हो जाता है, मुझे भी बता दो ना। तो सृष्टि चुप हो जाती है तो कहती है अब ना चुपचाप यहीं बैठी रहना, ठीक है। तो सृष्टि कहती है कि क्यों, कहती है कि मैं तेल रख रही हूँ सर पे। कहती नहीं भाभी नहीं, वही कह के सृष्टि उठ के बैठ जाती, कहती नहीं हो रहा मेरे सर में दर्द, कुछ नहीं हो रहा, मैं ठीक हूँ। तो कहती है कि क्या पागलपन है, कह रही हूँ ना करने दो भाभी, मैं ठीक हूँ, मैं कह तो रही हूँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, चलो फिर बाहर। बट भाभी हाँ तो ठीक हो ना, बाहर चलो।
सबके साथ वहाँ इंजॉय करो, यहाँ अकेले में क्यों लेटी हुई हो? चलो, या तुम्हारे भैया को भेजो लेने के लिए। नहीं भाभी, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो चलो फिर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ही लेने आई हूँ। वैसे तो यार तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे मसाज करने दो, और अगर तबीयत ठीक है तो चलो फिर बाहर चलो। अजीब जिद्द है यार। हाँ, अजीब जिद्द है। सृष्टि बहुत धीरे से बोलती है लेकिन रश्मि सुन लेती है, कहती हाँ अजीब जिद्द, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें मेरी जिद से? कहती जी नहीं, क्या प्रॉब्लम हो सकती है मुझे, और होगी भी तो कौन सा, आप सुन लेंगे या उसकी सुनवाई करेंगे? करना तो आपको वही है जो आप करना चाहेंगे, है ना? बेशक सही तो समझती हो तुम मुझे, फिर क्यों इतनी जिद दिखाती हो? जो मैं कह रही हूँ उसे मान जा, मान लो ना। क्या कह रही थी आप? मेरे को आपकी बात एक्चुअली समझ में नहीं आई है, तो मुझे नहीं पता आप क्या कहना चाह रही थी, तो मैं समझा देती हूँ। मैं कहाँ मना कर रही हूँ समझाने के लिए, मैं समझाती हूँ ना अपनी बात तुम्हें अच्छे से। तो कहती है भाभी बाहर चले, ये कह के सृष्टि तुरंत बेड पर से उठ जाती है और बाहर आ जाती है। सृष्टि इससे, रश्मि इससे पहले कुछ कह पाती वो गेट के बाहर होती है, तो रश्मि को हंसी आ जाती है उसकी ये हरकत देख के। सृष्टि की तरफ देख के हंसते हुए वो चली जाती है, और सृष्टि पीछे से अपना सर पकड़ती है, कहती यार ये क्यों नहीं समझ रही है कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, चाह के भी कुछ नहीं सुधर पाएगा, क्या करूँ मैं सिचुएशन से निकलने के लिए, समझ ही नहीं आ रहा है कैसे इस प्रॉब्लम से डील करूं, कैसे इनको समझाऊं कि जो कुछ ये सोच रही हैं ये सब गलत है, क्या करूं ऐसा। उसका दिमाग इन्हीं सब ख्यालों में खोया रहता है, और ये सब सोचते सोचते वो बाहर आ जाती है और आके सबके साथ बैठ जाती है। तो जय उसकी उसको सबसे इंट्रोड्यूस कराता है और उसके बारे में बातचीत करता है, और सब लोग फिर सृष्टि से बातें करते हैं उसके काम के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, कहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या करती है, कितने क्लाइंट्स वगैरह वगैरह सब कुछ उससे पूछते हैं। तो रश्मि से दूर रहने के लिए वो सबके इन बोरिंग सवालों के जवाब देती है, जिससे वो रश्मि से बस दूर रह सके, और रश्मि इस चीज़ को समझ रही होती है लेकिन वो सबके सामने कुछ कर भी नहीं सकती थी, तो वो उसे वहीं सबके पास बिजी रहने देती है, ज़्यादा कुछ कहती नहीं है। थोड़ी देर बाद सब खाना पीना खा के जाने लगते हैं, और जय कहता है कि मैं रश्मि सबको छोड़ के आता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे आने में। तो वो कहती है, सृष्टि कहती है भैया सुनिए। हाँ बोलो। वो मैं ये कह रही थी कि मुझे भी बाहर थोड़ा सा काम है, मैं भी चलूँ आपके साथ। तो रश्मि तुरंत पीछे से कहती है आप कहाँ चली, अभी आपके सर में दर्द हो रहा था ना, आपको आराम की ज़रूरत है। तो जैसे कहती है जय इन्हें कुछ चाहिए हो तो आप इनसे पूछ लो और ला के दे दो, इनके सर में दर्द है, शायद मेडिसिन वगैरह मंगवानी हो। तो अब सृष्टि फिर चुप रह जाती है, कुछ नहीं बोल पाती, सब लोग वहीं होते हैं तो उसका बोलना ठीक भी नहीं रहता। जय उससे पूछ के कि क्या चाहिए चला जाता है वहाँ से, और सृष्टि चुपचाप अपने रूम में जाने लगती है। तो रश्मि उसका हाथ पकड़ती है और कहती है मुझसे भाग के क्या मिलेगा, मुझे बस इतना समझा दो, क्या जीत जाओगी क्या हार जाओगी,
मुझे एक्सेप्ट कर लोगी तो क्या हार जाओगी, और मुझसे भाग के क्या जीत लोगी। तो कहते हैं कि आप क्या बातें कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब मेरे हो रहा है सर में दर्द भाभी, और अब सच में हो रहा है, मुझे ना थोड़ी देर जाके आराम करने दो। तो सृष्टि कहती है कि सॉरी रश्मि कहती है कि अच्छा आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या कह रही हूँ। हाँ मुझे नहीं आ रहा समझ, ठीक है जाइए आराम कीजिए, कहती है जी। और ये कह के सृष्टि वहाँ से चली जाती है। रश्मि थोड़ी देर में उसका डोर नॉक करती है और अंदर जाती है। सृष्टि जो है उठती है और कहती है अब क्या है भाभी, मुझे आराम करने दीजिए थोड़ी देर, मुझे नींद की ज़रूरत है। तो कहती हैं चल के खाना खा लो कुछ थोड़ा सा, तुमने सबके साथ भी नहीं खाया था। कहती है मुझे भूख नहीं है, भूख होती तो मैं खा लेती, आपको इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भूख होगी तो मैं खा लूँगी, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। अब आप जाइए और मुझे अकेला छोड़िए प्लीज़। तो कहती हैं अच्छा, कहती हैं हाँ मुझे ज़रूरत नहीं है अभी खाने की, ये कह के और रश्मि को भेज देती है। तो रश्मि थोड़ी देर बाद नेहा को भेजती है, नेहा उसे किसी तरह पटा पटू के लेके आती है और कहती है चलो कुछ खा लो, लेके आती है और उसके लिए खाना लगाती है। रश्मि अपना लगाती है, नेहा प्रीति अपना अपना, मतलब सब लोग अपना अपना खाना लेके बैठते हैं खाने के लिए, और ऐसी बातचीत होने लगती है। खाना पीना खा के ये लोग बैठते हैं कुछ गेम खेलने के लिए, ट्रुथ एंड डेयर टाइप्स कुछ होता है, तो वो बैठते हैं खेलने के लिए। ये गेम देख के कहती है सृष्टि की मेरा मूड नहीं है खेलने का, मैं ना खेलूं तो चलेगा? तो लोग कहते हैं कि खेलना तो पड़ेगा, अब यहाँ हो तो गेम तो खेलना पड़ेगा। तो कहती है ऐसा कोई रूल है? हाँ जो यहाँ बैठेगा उसे गेम खेलना पड़ेगा। कहती है मुझे मन नहीं है खेलने का बिल्कुल भी, मान जाओ ना नेहा तुम तो समझो। सृष्टि बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही है, एक तो आधा उसे डर रहता है कि रश्मि कहीं कुछ बोल ना दे, कहीं कुछ कह ना दे और उसका जवाब देना मुश्किल पड़ जाए, उसे हाँ या ना में से कुछ बोलना पड़े, इस बात का उसे सबसे ज़्यादा खौफ और डर रहता है, तो वो अवॉइड कर रही होती है। तो लोग कहते हैं अच्छा चलो ट्रुथ एंड डेयर नहीं खेलना ना? कहती हाँ नहीं खेलना, चलो अंताक्षरी खेल लेते हैं। तो सृष्टि का वो भी मन नहीं होता, लेकिन बहुत फोर्स करने के बाद, बच्चे भी सो चुके होते हैं, बहुत फोर्स करने के बाद वो लोग वो मानती है और फिर अंताक्षरी खेलना शुरू होता है। अंताक्षरी खेलने के बाद रश्मि वहाँ से उठ के जा रही होती है, बहुत सारे गाने गाए गए होते हैं, सॉरी सृष्टि वहाँ से उठ के जा रही होती है, बहुत सारे गाने गा चुके गए होते हैं। तो वो कहती है कि मैंने इतने सारे गाने गाए, रश्मि ने एक गाना नहीं गाया, सारे गाने प्रीति ने गाए। रश्मि आपको क्या गाने नहीं आते? तो सृष्टि सृष्टि को क्या गाने नहीं आते, सॉरी यार मैं रश्मि सृष्टि में बड़ी कंफ्यूज हूँ। तो कहती है कि मैंने सारे गाने गाए, नेहा ने गाए, लेकिन तुम्हारी टीम से प्रीति ने गाए, सृष्टि ने एक भी गाना नहीं गाया, तो ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे तो कोई टीम नहीं जीत सकती। तो प्रीति कहती है अब हमारी टीम जीत गई, मेरे टीम में से मैं काफ़ी थी तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए, तुम्हारे गानों का जवाब देने के लिए। कहती है अच्छा? तो सृष्टि कहती है हाँ मेरी टीम से प्रीति काफ़ी थी, मुझे गाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और जिस चीज़ की
ज़रूरत ना पड़े, उसे ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं लेना चाहिए। तो कहती है ओके, ये बात आज तक मुझे पता नहीं थी, अच्छा है जल्दी पता चल गई। कहती है चलो अच्छी बात है पता चल गई। तो नेहा प्रीति वहाँ से इशारा करते हैं एक दूसरे को और उठ के चले जाते हैं। सृष्टि भी उठ के जा रही होती है तो रश्मि उसका हाथ पकड़ के बैठाती है, कहती है कि अब भी तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई, मैंने गानों के थ्रू भी कह दिया सब कुछ। कहती है भाभी प्लीज़ मुझे कुछ समझ में नहीं आता, और क्या समझाना चाह रहे हो आप, मुझे समझना ही नहीं है, बेवजह आप परेशान हो खुद से भी और मुझसे भी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, मुझे कुछ समझना है। तो कहते हैं कि इतना क्यों भड़की हुई हो फिर। कहती है आप बात ही ऐसी कर रही हो, बेवजह एक ही बात नहीं आता मुझे कुछ समझ में। तो सृष्टि थोड़ा ज़ोर से बोलती है तो रश्मि को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन सृष्टि दूसरे ही पल उसे सॉरी बोल देती है। कहती है सॉरी मैं थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोल गई, लेकिन आप मुझे मजबूर मत करो ना। अब सृष्टि के सदा पे भी रश्मि को प्यार आ जाता है कि पहले गुस्सा फिर तुरंत सॉरी, इसका मतलब कुछ तो है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ ना हो। यही सोच के रश्मि खुश हो जाती है। और सृष्टि जब जाने लगती है तो रश्मि पीछे से कहती है कि वो हंसती है और कहती है कि रश्मि कहती है तुम ना कुछ ज़्यादा ही सोचती हो और कुछ ज़्यादा ही परेशान होती हो, गो विथ फ्लो ना, अगर गो विथ फ्लो चलोगी तो टेंशन कम होगी, स्ट्रेस कम होगा, परेशान कम रहोगी, सैडनेस कम रहेगी और खुश रहोगी। पहले मैं भी ऐसी सैड सैड रहती थी और मुझे सैडनेस से निकालने वाली तो तुम ही हो, और अब तुम हो कि इस सैडनेस से निकली नहीं रही हो, तो कैसे चलेगा काम, एक्सेप्ट कर लो और इस सिचुएशन से बाहर आ जाओ खुद भी, और मुझे भी मत इसमें फंसा के रखो। इस तरह अगर फंसाओगी और खुद भी फंसी रहोगी तो तुम्हें भी प्रॉब्लम होगी, मुझे भी प्रॉब्लम होगी, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा एक दूसरे को। ये कहती है तो सृष्टि उसकी तरफ देखती है और कहती है हर चीज़ फ़ायदे और नुकसान के लिए नहीं होती है, कभी कभी बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के और बहुत सारे रिश्तों को बचाना पड़ता है, अगर एक नहीं समझ रहा तो दूसरे को समझना पड़ता है। और मुझे नहीं पता आप क्या कहना चाहती हो, मुझे नहीं आ रहा समझ में, बट आपको एक बात बताती हूँ, अपने पति जय पे ध्यान दीजिए, भाई है वो मेरा, बहुत बदल गया है, आपको चाहता है, प्यार करता है आपसे, और उस पे ज़्यादा ध्यान देंगी तो आपकी गृहस्थी अच्छी चलेगी और आपके बच्चे बहुत खुश रहेंगे, दोनों को आपस में प्यार से रहते हुए देख के। इन बच्चों ने बचपन से आप दोनों को प्यार से रहते हुए नहीं देखा है, अभी बचपन इनका बीता नहीं है, तो सॉरी बचपन इनका बीता नहीं है, तो अभी भी चीज़ें बिगड़ी नहीं है, आप चाहें तो सही कर सकती हैं, सुधार सकती हैं और चीज़ों में काफ़ी बदलाव ला सकती हैं, तो आई होप आप ये करेंगी, है ना। मैं उम्मीद करती हूँ आपसे, आप बहुत समझदार हैं और ये बेवजह की चीज़ों पे ध्यान देने से अच्छा है कि आप अपनी फैमिली, अपने पर्सनल लाइफ पे ध्यान दीजिए, जिससे आपकी लाइफ में कोई और प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ये मेरी एडवाइस आपके लिए थी, तो होपफुली कल की सुबह अच्छी होगी और आप अपने और अपने पति की ज़िंदगी को और अच्छा बनाएंगी। सो बाय बाय भाभी, गुड नाइट।
सुबह मुलाकात होती है। ये कह के सृष्टि वहाँ से चली जाती है। रश्मि को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपने आप पे कंट्रोल करती है और वहाँ से उठती है। गुस्से में किचन में जाती है, जितने बर्तन होते हैं साफ़ सफाई जितनी करनी होती है सब करने लगती है। नेहा बर्तनों की आवाज़ सुन के बाहर आती है और कहती है कि क्या हो गया रश्मि। रश्मि उस पर एकदम से चीख पड़ती है, कहती क्या है, हर बात तुम्हें बताऊं? कहती है अरे क्या हुआ, मुझ पर क्यों भड़क रही हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया है, मुझ पर भड़कने का क्या। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट।